का सुना दिया उसको। You know what? He's not being silly. खुद को बुरा बनाकर उसने उसको हीरोइन बना दिया। दोस्तों रियांश ने जो है यहाँ पे विक्रम और सुनैना दोनों को ही बुला लिया है ताकि आराधना कंफर्टेबल फील कर सके, और उसने विक्रम के आइडेंटिटी चेंज कर दिया और उसे बना दिया है अंकुश। उसके बाद हम देखने वाले हैं दोस्तों कि रियांश जो है एक नई चाल चलने वाला है। दरअसल वो ये चाहता है कि वो अपने आप को जो है नीचे गिरा दे और आराधना को बहुत ऊपर उठा दे ताकि आराधना का जो खोया हुआ विश्वास है वो उसके ऊपर वापस आ सके, और इसमें दोस्तों वो बहुत जल्दी कामयाब होने वाला है। लेकिन वीरेन खन्ना ने जो है आराधना और रियांश को मंदिर में बुलावा दिया है मालिनी के साथ मिलने के लिए। वहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आराधना जो है ये जानना चाहेगी मालिनी से कि आखिर क्यों उसकी माँ ने जो है उसे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों मालिनी जो है बताना अभी कुछ भी नहीं चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि रियांश के दोस्तों एक गुंडे से जो है लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से जो है रियांश को बंदूक लग जाती है और आराधना बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र कर रही है। भले ही आराधना कितनी नफरत करती हो पर आराधना के मन में जो है अभी भी रियांश से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है कि आखिर रियांश को कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई, कमेंट बॉक्स पर बताना। तब तक क्लिक कर